स्वाव लंबन, जल स्वावलंबन। देखो जल स्वावलंबन क्या है, शनिवार को हमने बताया था कि जल प्रबंधन के ये जो उपाय हैं, जैसे तालाब, नाड़ी, बावड़ी, हडीर, इनसे पानी को, बरसात के पानी को, बहते हुए पानी को बचाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इस जल को काम में लिया जा सकता है। अब बारी आई है जल स्वावलंबन। ये स्वावलंबन क्या है? देखो, जब कोई कार्य को हम अपने हाथों से करते हैं तो वो स्वावलंबन कहलाता है और हम स्वावलंबी कहलाते हैं। जब कोई काम हम अपने हाथों से करते हैं तो ये स्वावलंबन कहलाता है, और काम को करने वाला, जैसे हम कर रहे हैं तो हम स्वावलंबी कहलाएंगे, कोई और कर रहा है वो स्वावलंबी कहलाएगा। अब जल स्वावलंबन का मतलब होता है कि देखो, ये जो पानी है जो व्यर्थ में बह रहा है या जैसे भी कुछ है, इसको बचाने के लिए हमको खुद को कुछ करना है। इस पानी को संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा रोकने के लिए हमको कुछ करना है। ये है स्वावलंबन। देखो, वर्तमान समय में भूमिगत जो जल है, मैंने बताया जिन भूमि जमीन के अंदर जो जल है, इसको हैंडपंप के माध्यम से या कुएं के माध्यम से निकालते हैं, पंप के माध्यम से। भूमिगत जल, भूमिगत जल, ये जमीन के अंदर का जो जल है उसका स्तर धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, और नीचे चला जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है। जब भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है तो जमीन के अंदर जो पर्याप्त मात्रा में पहले पानी था वो पानी नहीं रहा है, नीचे जा रहा है। पहले क्वालिटी वाला पानी था, अच्छा पानी था, प्योर पानी था। अब उस पानी की गुणवत्ता भी बदल गई है, धीरे धीरे जब हम जा रहे हैं तो खारा पानी आ रहा है जो हमारे कुछ काम का भी नहीं है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये भूमिगत जल का स्तर गिर क्यों रहा है, गिरता स्तर, ये गिर क्यों रहा है, गिरता स्तर, ये गिर क्यों रहा है? देखो, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ आसपास इतनी भीड़ नहीं थी, कॉलोनियां इतनी नहीं थी, इतने लोग नहीं रह रहे थे। आज देखो कितनी भीड़ हो गई है, कॉलोनियां कितनी भर गई हैं, कितने महंगे प्लॉट हो गए, कितनी सारी दुकानें हो गई हैं, कितने मकान हो गए हैं, दुकान हो गई हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं। धीरे 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 देखो तुम, जनसंख्या का जो दृश्य है हमको दिखाई देता है। देखो, हर परिवार के लिए पहले जब सीमित परिवार था, जनसंख्या थोड़ी थी, तो थोड़ा सा जल निकालते थे जमीन के अंदर से, और बरसात हो जाती थी तो उसका स्तर बना रहता था। अब हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, जो जल की हैं, वो इतनी बढ़ गई हैं कि अब सुबह सुबह ही हमें अपने उस समय से भी चलानी पड़ती हैं, हैंडपंप चलाने पड़ते हैं, और कभी कभी तो सप्लाई का पानी नहीं आता तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतना पानी हम खर्च कर रहे हैं और वो पानी आ कहाँ से रहा है, जमीन के अंदर से, और तो कोई स्रोत है नहीं। हमारे यहाँ ना तो कोई झरना है, ना कोई नदी है, ना कोई नहर है कि बस जिसके पानी को हम काम में ले रहे हैं। कोई तो सारा की सारा पानी जो हम काम में ले रहे हैं वो जमीन के अंदर से आ रहा है, और बरसात धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखो, जब बरसात कम होती चली जाएगी तो पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, स्तर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा। यदि ऐसा ही मामला रहा तो आगामी कुछ वर्षों में पानी के, पीने के पानी की इतनी समस्या आ जाएगी कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा।
जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पानी की खपत ज्यादा हो गई है, पानी की कोई कहीं भी ऐसी कोई संभावना है नहीं कि हमको पानी मिल रहा है, जमीन का, जमीन के अंदर का पानी है, भूमिगत जल है, बरसात होती नहीं है, बहुत कम बरसात हो रही है, स्तर दिन रोज गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो हमको करना क्या है? देखो एक प्रश्न आया था इसमें से बोर्ड में कि जल का प्रमुख स्रोत क्या है, भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ध्यान रखना वर्षा का जल, किसका जल? वर्षा का जल। भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा का जल। एक बात तो देखो अब हमको करना क्या है, हम भाई खूब कोशिश करें, तो हम कोशिश करें कि बरसात हो जाए, बरसात अपनी मर्जी से ही होगी, हमारे कहने से थोड़ी होगी, हम प्रयास भी करते हैं तो भी हमारा प्रयास निरर्थक है, या हम ऐसा प्रयास करें कि भाई भूमिगत जल को बिल्कुल भी काम में मत लो और काम में लो तो बहुत ही कम काम में लो, तो ये प्रयास भी हमारा सफल नहीं होने वाला है। हमको करना क्या है जिससे कि इस भूमिगत जल के स्तर को, गिरते हुए स्तर को रोका जा सके, इसको ज्यादा नीचे गिरने नहीं दें, इसको रोक करके रखें। तो हमको करना क्या है, देखो जैसे पहले मैंने बताया, पढ़ाया था आपको शनिवार को, तालाब, जोहड़, नाड़ी, खड़ीन, ये सब कुछ पढ़ाई थी। हमको करना क्या है, जैसे जोहड़ है, पहले जोहड़, पहले तालाब को लेते हैं। देखो जब बरसात के दिन आते हैं उससे पहले गर्मी आती है, और गर्मी के दिनों में हमारे आसपास के छोटे मोटे तालाब हैं जो सब सूख जाते हैं। तो हमको करना क्या है, जब तालाब सूख जाता है बरसात के आने से पहले, इस तालाब में जितना भी कंकड़ पत्थर बजरी मिट्टी जो कुछ गाद है, उस गाद को निकाल करके और इस तालाब को और गहरा करना है पहले की बजाय। देखो जब इसको और गहरा करेंगे, गाद को निकाल देंगे, कंकड़ पत्थर निकल जाएंगे, छोटे मोटे जो पेड़ पौधों की लकड़ियां बह करके आती हैं पानी के साथ, मिट्टी आती है प्रदम जो होकर के आता है, उस सबको निकाल देंगे तो हमारा तालाब गहरा हो जाएगा। जब गहरा हो जाएगा और बरसात जब आएगी तो ये बरसात के पानी से पूरी तरह भर जाएगा, फिर ये कई महीनों तक पानी इसमें भरा रहेगा, इससे हम काम में लेंगे। तो देखो जब तालाबों में पानी भरा रहेगा, ज्यादा दिनों तक तालाबों में पानी रहेगा, तो भूमिगत जल का स्तर है जो पहले की बजाय थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है जी। उसी प्रकार जोहड़, जोहड़ों में गाद आ जाती है, मैंने बताई थी, कंकड़ पत्थर भर जाते हैं, बजरी भर जाती, बरसात जब होती है बहुत सारे पेड़ पौधे टूट करके आते हैं, वो पानी के साथ आ जाते हैं, मिट्टी के अपरदन के साथ साथ, मृदा अपरदन के साथ में, और वो जोहड़ भर जाते हैं। उन जोहड़ों को बरसात के दिनों से पहले खाली समय में, गर्मी के दिनों में, और उनको साफ करना है, खाली करना है, जिससे कि बरसात का पानी आएगा उसमें भर जाएगा। तो ये जल स्वावलंबन ही तो है भाई, पानी को बचाने का हम खुद ही तो काम कर रहे हैं, तालाब हम खुद साफ कर रहे हैं, जोहड़ को कर रहे हैं, इसी प्रकार नाड़ी को, खड़ीन को, छोटे छोटे और तालाब बनाए जा रहे हैं, जिससे कि गाँव में पहले देखो पोखरें होती थी, पोखरें, अब वो पोखरें नहीं है। तो देखो जब पोखरें नहीं है, पोखर का मतलब होता है छोटा तालाब होता है जिसमें पशु मवेशियां पानी पीती थी, पहले होती थी पोखर गांव में, हर गांव में मिलती थी, अब तो चुनिंदा गांव में है, ज्यादा गांव में नहीं है। अब इन पोखरों को जब देखो बरसात के दिनों में ये पोखर भर जाती थी, तो भूमिगत जल का जो स्तर है जो बना रहता था, पानी पर्याप्त मात्रा में था, कुएं बना देते थे लोग, ट्यूबवेल चलते थे, हैंडपंप चलते थे, पानी निकलता था। आज तो मामला ये है गाँव में पोखरे नहीं है, हैं या फिर वो सूखी पड़ी हैं, वो भर गई हैं, उनमें गाद भर गई है, कंकड़ पत्थर मिट्टी भरी हुई है, और अतिक्रमण हो गया है, पोखर रही नहीं है, भी तो सूखी हैं, अब क्या हो रहा है सब? जब ऐसा हो रहा है, पोखर ही नहीं रहेंगी, तो भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जो पहले कुएं थे उन कुएं में ही पानी नहीं रहा, कुआ बिल्कुल खाली है, सूखे कुएं पड़े, ट्यूबवेल नहीं चलते हैं, इंजन नहीं चलते हैं, पहले इंजन चलते थे, ट्यूबवेल चलते थे, क्यों? क्योंकि ट्यूबवेल और जो इंजन चलते थे ये ऊपर के पानी को खींचते थे,
गहराई का पानी ये नहीं खींच पाते थे। अब पानी जब ऊपर नहीं रहा, नीचे चला गया तो खींचेंगे ही नहीं। दो चार दस पांच गांव तो अपने यहाँ ऐसे हैं कामा के आसपास कि जहाँ तो इंजन नहीं है, केवल पंप सेट चलते हैं, मोटर चलती हैं। 500 फुट नीचे से, 700 फुट नीचे से, 600 फुट नीचे से वो पानी निकालती हैं। जब पानी पीने को आता है, मवेशियों को काम में लेते हैं और कृषि के काम में लेते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको तालाब, जोहर, नाड़ी, खड़ी, छोटे छोटे पोखर, इनका पुनरुद्धार करना है, इनको साफ सफाई से रखना है, इनके अंदर जो कंकड़ पत्थर बजरी गाज वगैरह है उसको साफ करना है, और इनको ऐसे करना है बिल्कुल जिसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें पानी रुक सके। ठीक है, एक अभियान चलाया था राजस्थान सरकार ने, बहुत पहले चलाया था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम। तो ये भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम है, ये इसी से संबंधित है। ठीक है सर, अच्छा ये पाठ तुम्हारा यहाँ पूरा हो गया है। अब अगला पाठ है जो, वो है भारतीय कृषि। अगला जो पाठ है वो है भारतीय कृषि, भारतीय कृषि। अगला जो पाठ है भारतीय कृषि, भारतीय कृषि। देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारा देश है ना जो भारत, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का लगभग 46% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में संलग्न है, अर्थात कृषि पर आश्रित है, और देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत 17.4 है। सकल घरेलू उत्पाद, देश का सकल घरेलू उत्पाद, ये प्रश्न आया था, सकल घरेलू 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 उत्पाद में 17.4% कृषि का योगदान है। लगभग 46% लोग कृषि करते हैं। जनसंख्या कितनी करती है, जनसंख्या लगभग 46% प्रत्यक्ष रूप से। देखो कृषि के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना ये मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहलाता है, मिश्रित, मिश्रित कृषि कहलाता है। एक बार प्रश्न आया था मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो कृषि के साथ साथ क्या करना, पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित। देखो सर भारत में जो कृषि का कार्य किया जा रहा है ये जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, जीवन यापन के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, और इसमें भी जो कृषि की जाती रही है अब तक वो परंपरागत तकनीक से की जा रही है। भारत में जो कृषि की जा रही है वो परंपरागत तकनीक से की जाती है। परंपरागत का मतलब होता है जो पहले से ही करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हम भी अब उसी के अनुसार कृषि कर रहे हैं, उसको कहते हैं परंपरागत तकनीक।
अब देखो साहब, परंपरागत जब तकनीक से हम कृषि कर रहे हैं तो इसकी जानकारी हमको मिलती कहां से? साहब हमारी परंपरा ऐसे ही है। देखो मोहनजोदड़ो है, एक मोहनजोदड़ो नवी क्लास में आपने पढ़ी थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये दो सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता अपने यहाँ हनुमानगढ़ में भी है, कालीबंगा खोज की गई है, तो कालीबंगा कहाँ निकली है? हनुमानगढ़, गंगानगर पास में है। तो कालीबंगा में जब खुदाई की है, मिट्टी के टीले को खोदा गया है, तो वहां पर एक जिता हुआ खेत का नमूना मिला है। और जब जिते हुए खेत का नमूना मिला है तो फिर हम यही अनुमान लगाते हैं कि हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, पहले खेतों में काम करते थे, जुताई बुवाई करते थे, जिससे जुता हुआ खेत मिला है। कहीं धान के अवशेष भी मिले, धान का एक बीज मिला है, धान के अवशेष मिले, हल बैल के निशान मिले हैं सब, हल बैल के निशान मिले, तो ये ताक हल बैल के निशान से भी यही ताक कर रहे कि भाई लोग बाग खेती बाड़ी में हल बैल से काम करते थे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी कि ये जो तकनीक थी, परंपरागत जो तकनीक थी हमारी, इसमें हमको कुछ बदलाव करके नई तकनीक को और जोड़ना है, जिससे कि हम अपने इन खेतों में जो 46% लोग देखो काम कर रहे हैं, जनसंख्या 46% कर रही है, सकल घरेलू उत्पाद में 17.4% की भागीदारी है, बहुत कम है, तो और बढ़ानी पड़ेगी। और लोगों को देखो 46% तो लोग लगे हुए हैं, उत्पादन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। हमको करना क्या है? हमको अपने उत्पाद को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे कि कम जनसंख्या के द्वारा भी अधिक उत्पादन लिया जा सके। ठीक है सर, तो इसके लिए हमको नई तकनीक को काम में लेना पड़ेगा, उसको बताएंगे आगे। अब भारतीय कृषि के विविध रूप, भारतीय कृषि के विविध रूप, भारतीय कृषि के कितने रूप हैं? देखो भारतीय कृषि के रूप विविध रूप हैं। अब कौन कौन से रूप हैं? देखो पहला है ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, आधार पर ऋतु तो जानते हैं आप, गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु और सर्दी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये ऋतु ही तो है हमारी। तो देखो ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाएगा तीन प्रकार। नंबर एक खरीफ, खरीफ की फसल, फसल खरीफ की फसल। देखो ये खरीफ की फसल क्या है? ये खरीफ की फसल को एक तो दूसरा नाम हो रहा है इसका, गरीब की फसल। खरीफ की फसल का दूसरा नाम क्या है? गरीब की फसल। देखो एक खरीफ और गरीब, देखो नाम से ही प्रसिद्ध है, जब गरीब की फसल है तो गरीब के पास ना तो सिंचाई के अच्छे साधन होते हैं, नहीं होते हैं। जब सिंचाई के अच्छे साधन होते हैं, कम साधन होते हैं, अच्छे साधन नहीं है, तो गरीबी तो है, गरीबों की तो खेती है। और इसका जो काल है वो है मानसून काल। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मानसून के काल में, मानसून की ऋतु में। और बोने के लिए समय है जून और जुलाई, जून का महीना और जुलाई का महीना। कब बोई जाती है? जून जुलाई। और काटी कब जाती है? अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर।
खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसको गरीब की फसल भी कहते हैं और यह मानसून पर निर्भर है पूर्ण रूप से। बरसात अच्छी होगी, मानसून अच्छा आएगा तो भैया खेतों में अच्छी फसल होगी। अब इन फसलों के नाम बताओ कौन कौन सी है साहब, प्रश्न पूछ भी तो सकता है। खरीफ की फसलों के नाम बताओ साहब। तो देखो साहब, बाजरा, बाजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, 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 उड़द, 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 मूंग, दालों में आते हैं मूंग, उड़द, मूंग, ठीक है, उड़द, मूंग, ये फसलें हैं, ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो बताओ खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग इत्यादि। खरीफ की फसल कब बोई जाती है सर? कौन से महीने में बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानसून पर, ठीक है सर। दूसरी है रबी की फसल। ये तो खरीफ की फसल हो गई, अब रबी की फसल को देखेंगे। रबी की फसल, ये रबी की फसल कब बोई जाती है? नंबर दो, रबी की फसल, रबी की फसल। देखो साहब, खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती थी, तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर में रबी खरीफ की फसल काटी जाएगी तुरंत ही रबी की फसल को बो देंगे। 10-5 दिन में जुताई कर करके बुवाई करते हैं, तो ये नवंबर और दिसंबर, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में, फरवरी, फरवरी मार्च में काटी जाती है। कब बोई जाती है? ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। देखो अक्टूबर में भी बुवाई कर देते हैं कभी कभी, जब बरसात जैसे ठीक हुई तो खरीफ की फसल अक्टूबर में पहले ही कट गई, पहले सप्ताह में, तो अक्टूबर नवंबर में भी बुवाई कर देते हैं। बाकी इसका समय नवंबर दिसंबर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप कभी कहने लग जाए गुरु जी आपने ये बताया था ये तो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, ये तो अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है, तो नहीं। देखो जब मानसून ठीक आ जाता है, ठीक ठाक बरसात होती है, अब की बात तो नहीं है, संभावना कम है क्योंकि बरसात कम है, लेकिन जैसे पहले आ जाता है मानसून जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही फसल पक करके तैयार हो जाती है। तो किसान लोग अक्टूबर में भी बुवाई कर देते हैं, किसकी? खरीफ, बगी, रबी, क्योंकि जब अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में ही कट जाएंगे, खेत खाली हो जाएंगे, तो किसान बुवाई कर देते हैं। कुछ वेराइटियां ऐसी हैं। अच्छा, वैसे इसका जो समय है नवंबर और दिसंबर और फरवरी और मार्च में काटी जाती है। अब ये फसलें कौन कौन सी हैं सब? देखो गेहूं, गेहूं, गेहूं हो गया। गेहूं के साथ साथ ऐसा तुम्हारा जौ, चना, गेहूं, जौ, चना और सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना
सरसों। अच्छा देखो एक बात हो, ये सब गोल है ना, तो खैर तुम्हारा धनिया है, जीरा है, दुनिया भर की फसलें हैं इसमें, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो रबी की फसल है इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मानसून तो विदा हो जाता है भैया। अब वैसे भी ये सर्दी की ऋतु में ज्यादा तक ओस पकड़ पड़ने लग जाती है, कोहरा सा पड़ता है ना, जब ज्यादा अच्छी पैदा होती है और सिंचाई भी करनी पड़ती है इसमें समय समय पर। तीसरे नंबर की है जायद फसल, तीसरे नंबर की है जायद फसल, जायद फसल। जायद की फसल, जायद की फसल। देखो भैया जायद क्या है, जायद है ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च अप्रैल और मई जून में काटी जाती है, मई जून में काटी जाती है। इसमें है साहब तुम्हारी तरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी, खरबूजा और साग सब्जियां। तो साग सब्जियां तरकारियां हैं, तरबूज है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी, ये कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, क्योंकि फरवरी मार्च में रबी की फसल कट जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। ठीक है सर, ये तो हो गया ऋतुओं के आधार पर। अब पढ़ाएंगे कल कृषि विधियों के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण है, तीन प्रकार का, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तीनों के बारे में बता दिया, किसी को भी पूछ सकता है, तीनों को भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना।